हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौड़ पर। दोस्तों, 1980 का दशक श्रीलंका में सिंहली और तमिलों के बीच तनाव, नागरिक देश छोड़ रहे हैं। उसी दौर में एक म्यूजिशियन एलरोय फर्नांडिस ने भी देश छोड़ा, बहरीन में डेरा डाला। उनकी मुलाकात हुई मलेशियन कैनेडियन मूल की महिला किम से, जो की ए होस्टेस थी। दोनों के 4 बच्चे हुए, 2 बेटे और 2 बेटियां। सबसे छोटी का नाम रखा गया जैकलीन, जिनकी हम आज बात करने वाले हैं। आजकल जैकलीन फर्नांडिस लगातार चर्चा में है, पर इसका कारण न उनका कोई म्यूजिक वीडियो है न ही कोई फिल्म। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और रंगदारी मामले में वो पुलिस के लपेटे में है। उनसे दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा एको ने 14 सितंबर को कई घंटों तक पूछताछ की। फिलहाल पूरा मामला क्या है, वो इस झमेले में कैसे फंस गई, चलते हैं उनकी जिंदगी और करियर पर। जैकलीन की स्कूली शिक्षा बहरीन में ही हुई। उनको बचपन से ही डांस करने और कैमरे के सामने आने का शौक था। ऐसा कहा जाता है कि 14 की उम्र में वो बहरीन में कोई टीवी शो होस्ट करने लगी थी। स्कूली शिक्षा पूरी करके जैकलीन ऑस्ट्रेलिया चली गई। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से मास्कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री ली, फिर श्रीलंका पहुंच गई। वहां भी कुछ टीवी शोज किए, कुछ दिन टीवी रिपोर्टिंग की, फिर मॉडलिंग का ऑफर आया, स्वीकार किया, मॉडलिंग की। 2006 में मिस यूनिवर्स श्रीलंका का खिताब जीता। उसी साल श्रीलंका को वर्ल्ड इवेंट मिस यूनिवर्स में रिप्रेजेंट किया। उसी साल श्रीलंका की पॉप जोड़ी BNS के साथ एक म्यूजिक वीडियो किया। पर मन में कहीं ना कहीं बचपन का सपना पल रहा था हॉलीवुड स्टार बनने का, इसीलिए उन्होंने कई सारी भाषाएं भी सीखी थी। उनका न्यूयॉर्क या लंदन जाने का प्लान था। उन्होंने सोचा था कि वहां टेलीविजन से करियर शुरू करके फिल्मों में जाएंगी। पर मिस यूनिवर्स से लौटने के बाद उन्हें भारत से कई मॉडलिंग के ऑफर्स आने लगे। अपने एजेंट की सलाह पर श्रीलंका में अपना बना बनाया करियर छोड़कर भारत आने का निश्चय किया। माँ बाप नहीं चाहते थे कि जैकलीन भारत जाए। उनका कहना था कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, वहां कोई जान पहचान वाला भी नहीं है। 20 साल की जैकलीन उस अनजानी जगह पर अकेले कैसे सर्वाइव करेगी। जैकलीन ने अपने पेरेंट्स को समझाया कि मैंने वहां एक एजेंसी से बात कर ली है, सब कुछ सॉर्टेड है। उन्होंने हाँ कर दी, पर जैकलीन के मन में डर तो था कि वो भारत जाकर क्या करेगी, कैसे सब कुछ होगा। पर उन्होंने रिस्क लेने का फैसला किया। मुंबई में स्ट्रगल शुरू हुआ, मॉडलिंग जारी रही, हॉलीवुड नहीं तो बॉलीवुड ही सही। ऑडिशन देने शुरू किए। पहले वो सलमान के साथ लंदन ड्रीम्स करने वाली थी, पर उसके डायरेक्टर बदल गए। उसी दौरान उन्हें सुजॉय घोष की अलादीन भी ऑफर हुई थी। उन्हें 2 में से 1 का चुनाव करना था। उन्होंने अलादीन को चुना। 2009 में सुजॉय घोष ने उन्हें रितेश देशमुख के अपोजिट साइन कर लिया। इसमें अमिताभ बच्चन और संजय दत्त जैसे बड़े कलाकारों ने भी काम किया। इस फिल्म के लिए जैकलीन को बेस्ट डेब्यू का आईफा अवार्ड भी मिला। पर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर सकी। इसके बाद उनकी एक और फिल्म जाने कहां से आए है भी फ्लॉप रही। अब जैकलीन के लिए भारत में चीजें कठिन हो गई, काम मिलना मुश्किल हो गया। पर कुछ समय बाद मोहित सूरी ने उन्हें मदद 2 में ब्रेक दिया। हालांकि ये एक बोल्ड रोल था, जिस कारण से वो ये करने में पूरी तरह सहज नहीं थी। उन्होंने फिल्म के प्रोड्यूसर मुकेश भट्ट से कहा था कि मैंने अभी अलादीन की है, उसमें मेरा रोल जैस्मिन का था, जबकि ये एक बोल्ड रोल है जो मेरे लिए करना थोड़ा असहज होगा। तब उन्हें उनकी पहली फिल्म के डायरेक्टर सुजॉय घोष ने समझाया। उसके बाद उन्होंने फिल्म के लिए हाँ की, हालांकि उनके सामने और कोई चारा भी नहीं था। मदर 2 ही वो मूवी थी जो उनके करियर के मील का पत्थर साबित हुई। उनका करियर चमक गया। मदर 2 के बाद उन्होंने 2 बैक टू बैक हिट फिल्में की, हाउसफुल 2 और रेस 2। ऐसी भी खबरें आई कि हाउसफुल के दौरान वो निर्देशक साजिद खान के काफी करीब आ गई। फिल्मी गलियारों में ये चर्चा भी उड़ी कि दोनों शादी करने वाले हैं, पर बाद में दोनों अलग हो गए। इससे पहले 2008 में उनका नाम बहरीन के प्रिंस से भी जोड़ा गया था। कम ही लोग जानते हैं कि जैकलीन का पहला बॉयफ्रेंड एक प्रिंस था। करियर के शुरुआती दिनों में अरब देश बहरीन के प्रिंस हसन बिन राशिद अली खलीफा को डेट करती थी। बहरीन की रॉयल फैमिली के बिलोंग वाले खलीफा और जैकलीन की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में हुई थी, लेकिन जब जैकलीन को फिल्म हाउसफुल मिली तो उनका रिश्ता टूट गया, क्योंकि उस वक्त उनकी बॉलीवुड फिल्म मेकर साजिद खान से नजदीकियां बढ़ने लगी थी। जी हाँ, खलीफा के बाद जैकलीन का अफेयर खुद से 15 साल बड़े साजिद से रहा। 2009 में मीडिया में दोनों के अफेयर की खबरें आने लगी थी।
जैसा कि जैकलीन बॉलीवुड में बड़ी हीरोइन बनना चाहती थी, ऐसे में साजिद ने करियर सांवारने में उनका साथ दिया। यही वजह रही कि जैकलीन को फिल्म हाउसफुल 1 और हाउसफुल 2 में ब्रेक मिला। 2012 में तो बात यहां तक पहुंच गई कि साजिद और जैकलीन जल्द शादी करने वाले हैं। यही नहीं, हाउसफुल 2 के शूटिंग सेट पर जैसे ही जैकलीन पहुंचती, सब लोग उन्हें भाभी कहकर बुलाते थे। इससे पहले कि शादी तक बात पहुंच पाती, फरवरी 2013 में जैकलीन को साजिद के पजेसिव नेचर से परेशानी होने लगी। साजिद उनके रोल से लेकर कपड़े तक खुद सिलेक्ट करने लगे थे। इसी बिहेवियर से तंग आकर जैकलीन ने 2013 में साजिद से ब्रेकअप कर लिया। जैकलीन का नाम सिद्धार्थ मल्होत्रा से भी जुड़ चुका है। फिल्म अ जेंटलमैन की शूटिंग के दौरान दोनों की नजदीकियां काफी सुर्खियों में रहीं। यहां तक कि आलिया भट्ट और सिद्धार्थ के ब्रेकअप की वजह भी जैकलीन को ही माना जाता है। हालांकि इस पर दोनों में से किसी ने कभी खुलकर बात नहीं की। सिद्धार्थ के साथ ही जैकलीन का नाम सलमान खान से जुड़ा है। 2014 में सलमान ने उन्हें अपनी फिल्म किक में कास्ट किया था, तभी से ये चर्चे शुरू हुए। कई इंटरव्यू में जैकलीन ये कह चुकी हैं कि सलमान सिर्फ उनके अच्छे दोस्त हैं, दोनों के बीच इसके अलावा और कुछ नहीं है। श्रीलंकाई अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र के पनवेल में सलमान खान के फार्म हाउस में रह रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सलमान और जैकलीन कई सालों से करीबी दोस्त हैं और मार्च 2020 में जब लॉकडाउन लगाया गया था, तब वह उनसे मिलने उनके फार्म हाउस पर गई थी। यात्रा प्रतिबंधों के कारण जैकलीन ने लॉकडाउन की अवधि के लिए फार्म हाउस पर रहने का फैसला किया, अपने निवास पर लौटने के बजाय। सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के दौरान सलमान के फार्म हाउस ने जैकलीन को क्वारंटाइन के लिए एक सुरक्षित और आरामदायक वातावरण प्रदान किया। इस फहरिस्त में वैसे रणबीर कपूर भी शामिल होना चाहते थे, हालांकि जैकलीन ने उन्हें भाव नहीं दिए। दरअसल 2014 में आई रॉय में रणबीर ने जैकलीन के साथ फिल्म स्क्रीन शेयर की थी। तब वे कैटरीना कैफ के साथ रिलेशनशिप में थे। 2016 में कैटरीना से ब्रेकअप होने के बाद ऐसी खबरें आई कि वे जैकलीन को अप्रोच कर रहे हैं। न सिर्फ रणबीर ने उन्हें काफी मैसेज किए, बल्कि वे कई बार जैकलीन से डिनर डेट के लिए पूछ चुके हैं। बता दें, जैकलीन ने 2009 में फिल्म अलादीन से बॉलीवुड डेब्यू किया था। वे अब तक मदद 2, हाउसफुल 2, रेस 2, किक, फ्लाइंग जट और रेस 3 जैसी फिल्में कर चुकी हैं। उन्होंने रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 9 भी जज किया था। तो दोस्तों, ये थी जैकलीन के बारे वीडियो। पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक के जय हिंद।